अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। ख़तलमिस बिन इसराइल ने अपने भतीजे अल्परसलान का पैगाम पढ़कर बड़ी बेसारी बड़े गुस्से का इजहार किया। फिर उन कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अल्परसलान का भतीजा नहीं हूँ, मैं उसका चचा हूँ, वह मेरा भतीजा है। वह किस उसूल के तहत मुझे पेशकश कर रहा है कि मैं किसी इलाके की तरफ इशारा कर दूं तो वह मुझे हाकिम मुकर्रर कर देगा, बल्कि यह पैगाम तो मुझे उसकी तरफ भेजना चाहिए था ताकि वह अपने लिए कोई इलाका मखसूस करे, मैं उसे वहां का हाकिम मुकर्रर कर दूंगा। मैं उसके बाप का चचाजाद भाई हूँ, यानी तुगरल बैग मेरा चचाजाद भाई था। उसके मरने के बाद बादशाहत का हक मेरे अलावा किसी और को नहीं पहुंचता। यहां तक कहने के बाद ख़तलमिस बिन इसराइल कुछ देर रुका, फिर उन कासिदों की तरफ देखते हुए गुस्से और गजब का इजहार करते हुए उससे पूछा, पहले ये कहो कि अल्परसलान इन दिनों कहाँ है और उसने कहाँ क्याम कर रखा है। उस पर दोनों कासिदों ने जस्तजू भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा और उनके लबों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। वह गोया ख़तलमिस बिन इसराइल की नादानी और उसकी हिमाकत पर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए कि वह लश्कर लेकर लड़ने के लिए अल्परसलान की तरफ कूच कर रहा था और उसे ये खबर तक न थी कि अल्परसलान कहाँ क्याम किए हुआ है। फिर उन दोनों में से एक ने ख़तलमिस बिन इसराइल को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, इसराइल के मोहतरम बेटे, आपने इस वक्त अपने लश्कर के साथ दामगान के नवाह में क्याम किया हुआ है और जिस शाहराह पर सफर करते हुए आपरे का रुख किए हुए हैं उसी शाहराह के किनारे अल्परसलान भी अपने लश्कर के साथ क्याम किए हुए हैं। उसने हमें ये खत देकर आपकी तरफ इसलिए रवाना किया है ताकि आप और उसके दरमियान सुलह जोई का कोई रास्ता निकल आए और मुसलमान आपस में न टकराए। अल्परसलान का ख्याल है कि जब दोनों लश्कर टकराएंगे तो दोनों जानिब से मुसलमान का नुकसान होगा और अल्परसलान ऐसा नहीं चाहता। जब तक कासिद बोलता रहा ख़तलमिस बिन इसराइल बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। जब वह खामोश हुआ तब वह तंजिया अंदाज में कहने लगा, अगर अल्परसलान नहीं चाहता कि दोनों तरफ से मुसलमानों का कत्ल आम हो तो फिर वह कुर्बानी दे। सलजूकियों की वसी सल्तनत में वह अपने लिए जिस इलाके का भी इंतखाब करेगा मैं उसे वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दूंगा, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और अगर उसने मेरी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया फिर मेरे और उसके दरमियान तलवार फैसला करेगी। तुम वापस जाकर अल्परसलान को यही बताना कि मेरा लश्कर तादाद में किस कदर है, तुमने उसका लश्कर भी देखा होगा, जरा अंदाजा लगाकर बताओ कि जो लश्कर वह लेकर आया है और जो लश्कर तुम मेरे साथ देख रहे हो उन दोनों में तादाद में किसको फौकियत हासिल है। जो कासिद पहले बोल रहा था उसने कुछ सोचा फिर कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं, जो लश्कर लेकर आप रहे शहर की तरफ कूच करने वाले हैं उसकी तादाद इस लश्कर से कई गुना ज्यादा है जो अल्परसलान लेकर निकला है। ख़तलमिस बिन इसराइल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। फिर वह कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, वापस जाकर मेरी तरफ से अल्परसलान को कहना कि क्या वह ये नहीं सोचता कि बादशाहत हासिल करने के लिए उसे अकेले मुझसे नहीं बल्कि मेरे अलावा हुक्मरानी का ऐलान करने वाले सुलेमान से टकराना होगा। उन हालात में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करने वाले मूसा बेगो से भी टकराना होगा। मेरी तरफ से उसे ये भी बताना कि अगर वह मेरी पेशकश कबूल कर ले यानी मेरी बादशाहत को कबूल कर ले तो सलजुकी सल्तनत में वह जिस इलाके को पसंद करे मैं उसे वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दूंगा। फिर मेरे साथ मिलकर वह अगर सुलेमान और मूसा बेगू के खिलाफ जंग करे तो मैं तुम दोनों के सामने वादा करता हूँ कि मैं अल्परसलान को अपना वली अहद मुकर्रर कर लूँगा। मेरी मौत के बाद यकीनन वही सलजूकियों के अजीम सल्तनत का सुल्तान होगा, ये मेरा उसके साथ अहद है। यहाँ तक कहने के बाद ख़तलमिस बिन इसराइल रुका, दोबारा उन दोनों कासिदों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अगर आराम करना चाहते हो तो एक रात मेरे लश्कर में कयाम करो, सुस्ताने और आराम करने के बाद कल वापस अल्परसलान की तरफ कूच कर जाओ। मेरी तरफ से वापस जाकर उसे कहना
कि मैं उसे 15 दिन का वक्त देता हूँ। उन 15 दिनों के अंदर अगर उसकी तरफ से मेरे पास ये पैगाम पहुँच गया कि वह मेरी बादशाहत को तस्लीम करके सल्तनत में कोई इलाका कबूल करने को तैयार है, तब मैं उसके चाचा की हैसियत से उसकी तरफ जाऊंगा, उसे गले लगाकर उसे सबकत से नवाजूंगा, और अगर 15 दिन के अंदर अंदर अल्परसलान की तरफ से कोई जवाब न आया तब मैं ये जानूंगा कि वह मेरे साथ टकराने के लिए तैयार है। फिर उसे बता देना कि 15 दिनों के बाद मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ से उसकी तरफ कूच करूंगा और उसे बताऊंगा कि जंग का क्या सिला होता है, और उसे ये भी बता देना कि मैं जंग के दौरान उसकी वह हालत करूंगा जो बेरोक तूफान गलियों में और वीरानों में उड़ते फिरते खुश्क घास फूस और पत्तों की करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कतलमिस दम लेने के लिए रुका, फिर कहने लगा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, अब तुम मेरे सालार के साथ जाओ और आराम करो और कल यहाँ से कूच कर जाना। साथ ही कतलमिस ने अपने एक सालार को हुक्म दिया कि उन दोनों को अपने साथ ले जाओ। जवाब में उसका सालार हरकत में आया और अल्परसलान के कासिदों को अपने साथ ले गया। सुल्तान अल्परसलान के दोनों कासिद वापस उसके पास पहुँचे तो उसे अपने चचा कतलमिस बिन इसराइल का जवाब सुनकर बड़ी मायूसी और हैरत हुई। कतलमिस ने उसे 15 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन सुल्तान अल्परसलान ने उस मोहलत को उसे पुष्ट डाल दिया, और जिस वक्त कासिद उसके पास पहुँचे तो थोड़ी देर बाद उसने अपने लश्कर के साथ वहाँ से कूच किया और ऐन दामगान शहर के करीब जाके उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया, जिसकी दूसरी जानिब कतलमिस बिन इसराइल दामगान के नवाह में अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया हुआ था। अब सूरत हाल ये थी कि कतलमिस ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अल्परसलान उसकी बात मान जाएगा और बादशाहत उसके हवाले करके किसी इलाके की हुकूमत हासिल करने पर रजामंद हो जाएगा। ऐसा वह इसलिए समझ रहा था कि उसके पास जो लश्कर था उसकी तादाद उस लश्कर से कहीं ज्यादा थी जिसे लेकर सुल्तान अल्परसलान उसकी तरफ आया था, लिहाजा उसने सुल्तान अल्परसलान और उसके लश्कर को कोई अहमियत ना दी। यहाँ तक कि सुल्तान अल्परसलान एंड उसके लश्कर के सामने आन रुका और वहाँ उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। कतलमिस का ख्याल था कि अल्परसलान गुफ्तगू की दावत देने में पहल करेगा और उसके लश्कर से मरऊब होकर उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन वह चचा होने के बावजूद शायद अल्परसलान की उलुल अज़्मी उसकी शुजात दिलेरी बहादुरी से वाकिफ न था। कतलमिस के सामने पड़ाव करने के बाद अल्परसलान ने गुफ्तगू का कोई सिलसिला शुरू न किया, बल्कि अगले रोज वह कतलमिस बिन इसराइल को जेर करने के लिए जंग पर आमादा हो गया। अब कतलमिस बिन इसराइल की आंखें खुली, मुकाबला करने के लिए उसने भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त और इस्तवार करना शुरू कर दी थी। दामगान शहर के नवाह में दोनों लश्कर आपस में टकराए, खुद मुसलमान ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे। मैदान जंग में तलवारों के टकराने और ढालों पर तलवारों के जर्ब पड़ने से शोर का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। दामगान के नवाह में लड़ी जाने वाली ये एक हौलनाक जंग थी। शुरू में कतलमिस बिन इसराइल को उम्मीद थी कि अपने लश्कर की तादाद ज्यादा होने की वजह से अल्परसलान पर गालिब रहेगा, लेकिन थोड़ी देर की जंग के बाद उसकी सारी उम्मीदें मायूसी का शिकार होना शुरू हो गई, इसलिए कि सुल्तान अल्परसलान ऐसे जोश ऐसे वलवले के साथ उसके लश्कर पर हमलावर हुआ था कि कतलमिस बिन इसराइल का लश्कर की अगली कई सफ़े दरहम बरहम करके रख दिया। इस तरह दामगान के नवाह में सुल्तान अल्परसलान के हाथों कतलमिस बिन इसराइल को बदतरीन शिकस्त हुई और उसकी बदकिस्मती के जंग के दौरान वह मारा गया और उसके लश्करी शिकस्त उठाकर भाग गए। उस मौका पर जिन लश्करियों ने हथियार डाल दिए और अमान तलब की, सुल्तान अल्परसलान ने इंतहाई रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें माफ कर दिया। सुल्तान के माफ कर देने की वजह से वह लोग भी बागीपन छोड़कर सुल्तान अल्परसलान के मती व फरमा बरदार बन गए। जब जंग खत्म हो गई तब सबसे पहले सुल्तान के हुक्म पर उसके चचा कतलमिस बिन इसराइल को तलाश किया गया। जब वह लाश मिल गई
और उसे सुल्तान के सामने लाया गया तो मौरखीन लिखते हैं, लाश को देखकर सुल्तान अल्परसलान की आंखों से आंसू बह निकले, इसलिए कि कतलमिस बिन इसराइल बहरहाल उसका सौतेला चचा था और ये सब कतलमिस बिन इसराइल की हिमाकत और उसकी लालचो हिर्स की वजह से हुआ था, इसलिए कि सुल्तान अल्परसलान ने उसे पेशकश की थी कि जिस इलाके को वह चाहे अपने लिए मुंतखब करे और उसे उस इलाके का हाकिम बना देगा, लेकिन कतलमिस बिन इसराइल ने उसकी बात न मानी और ये अंजाम हुआ। जिस वक्त कतलमिस बिन इसराइल की लाश को सुल्तान अल्परसलान के सामने लाया गया तो कुछ देर तक सुल्तान चुपचाप लाश को देखता रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इस मौका पर सुल्तान का वजीर निजामुल मुल्क तोसी और उसका बेटा मलिक शाह सलजूकी भी पास खड़े थे। अपने बाप की हालत देखते हुए मलिक शाह सलजूकी भी उदास और आजुर्दा हो गया था। आसपास खड़े सारे सालार भी परेशान थे। फिर अपने वजीर निजामुल मुल्क तोसी की तरफ देखते हुए सुल्तान अल्परसलान कहने लगा, मेरे मोहतरम, मेरे चचा कतलमिस बिन इसराइल की तजहीज़ो तकफीन का अहतमाम इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ किया जाए। सुल्तान का वजीर निजामुल मुल्क तोसी सुल्तान से उम्र में बड़ा होने के साथ साथ सुल्तान का उस्ताद और अतालीक भी रहा था। इस बिना पर सुल्तान अल्परसलान उसकी बड़ी इज्जत बड़ा एहतराम करता था। अपने चचा कतलमिस बिन इसराइल की तदफीन के बाद सुल्तान ने चंद रोज तक अपने लश्कर के साथ दामगान के नवाही में कयाम किए रखा, वहां के हालात को दुरुस्त किया। अब अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए उसके सामने दो बड़ी रुकावटें थी, एक सुलेमान जिसने रह शहर में अपनी बादशाहत का ऐलान कर रखा था और दूसरा हेरात का वाली मूसा बेगू जो खुद मुख्तारी का ऐलान करने के बाद बड़ी तेजी से आसपास के इलाके को जेर करता हुआ अपनी हुक्मरानी को वसी करने की कोशिश कर रहा था। उस मौका पर सुल्तान अल्परसलान ने हेरात के वाली मूसा बेगू को तो नजरअंदाज कर दिया। उसका इरादा था कि सबसे पहले वह अपने लश्कर के साथ रे का रुख करेगा, सुलेमान से निपटेगा, मरकज में अपनी हुकूमत को मुस्तहकम और मजबूत करने के बाद फिर मूसा बेगू के खिलाफ हरकत में आना उसके लिए आसान हो जाएगा। अपने उन्हीं ख्यालात के तहत दामगान के नवाह में उसने अपने वजीर निजामुल मुल्क तोसी, बेटे मलिक शाह सलजूकी, दिगर सालारों और उन उमरा को जो लश्कर में शामिल थे अपने पास बुलाया और अपनी तजवीज उनके सामने पेश की, जिसके जवाब में सबने इत्तेफाक किया फिलहाल हेरात के वाली मूसा बेगू को नजरअंदाज कर देना चाहिए और लश्कर के साथ रे का रुख करके पहले सुलेमान से निमटना चाहिए ताकि मरकज को मजबूत और मुस्तहकम करने के बाद फिर आसपास की और इर्द गिर्द की बगावतों का खात्मा किया जाए। ये फैसला होने के बाद सुल्तान अल्परसलान ने अपने लश्कर के साथ दामगान से बड़ी तेजी के साथ रे शहर का रुख किया। सुल्तान अल्परसलान की रे शहर की तरफ पेश कदमी का सुनकर उसका सौतेला भाई सुलेमान, जिसने मरकजी हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, बड़ा परेशान और फिक्रमंद हुआ। गो रे शहर में उसके पास उस वक्त खासा बड़ा लश्कर था और अल्परसलान की बहादुरी और जुरतमंदी से भी वाकिफ था और जानता था कि उसके पास कितना भी बड़ा लश्कर क्यों न हो अल्परसलान का वह मुकाबला न कर सकेगा। इस सिलसिले में उसने अपने सारे मशीरों, उमरा और सालारों के अलावा अपनी सल्तनत के वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को रे शहर के किस्र में तलब किया। जब सब लोग जमा हो गए तब सुलेमान के मुखबर सुल्तान अल्परसलान के खिलाफ जो खबरें लेकर आए थे वह उसने सबके सामने पेश की और उनसे राय तलब की। ये खबर सुनकर सुलेमान के बड़े बड़े उमरा के पांव तले से जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। जब सुलेमान ने उन पर यह भी इंकशाफ किया कि दामगान के नवाह में अल्परसलान ने अपने चचा कतलमिस बिन इसराइल को बदतरीन शिकस्त दी है और वह जंग में मारा जा चुका है, तब उमरा और ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हो गए, इसलिए कि वह पहले ही ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब कतलमिस बिन इसराइल और अल्परसलान आपस में टकराएंगे
तो उसके दो नतीजे जाहिर होंगे, या तो कतलमिस बिन इसराइल अल्परसलान को जेर करके मार गिराएगा, अल्परसलान से सुलेमान की जान छूट जाएगी, या उस जंग के दौरान अल्परसलान का लश्कर इस कदर कमजोर हो जाएगा कि उनसे टकरा नहीं सकेगा, लिहाजा उनकी बादशाहत कायम रहेगी। लेकिन जब ये खबरें आई कि दामगान के नवाह में अल्परसलान ने अपने चचा को बदतरीन शिकस्त दी है और वह खुद जंग में मारा गया है, उसके लश्करी भाग गए हैं, कुछ अल्परसलान की अताअत कबूल कर चुके हैं, तब खुद सुलेमान उसके लश्करियों और वजीर सल्तनत हमीदुल मुल्क की परेशानी और फिक्रमंदी की कोई इंतहा न थी, इसलिए कि उन्हें ज्यादा फिक्र अल्परसलान की थी, कतलमिस की नहीं।